पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए उसका, तो हम लोग इस तरह से ढाई ढाई महीना एक प्रधानमंत्री बनेगा तो ये देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते। सीधे महादेव चाहेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम लोग टच कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन एग्जिट पोल पर कहते हैं, पूरा देश इस नए भारत के निर्माता प्रधानमंत्री को चुन रहा है। हर भारतीय, हर गरीब तबका, हर वो बेरोजगार जिसे रोजगार मिला है और वो बेरोजगार लोग जिनको विश्वास है कि अब उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी द्वारा नया रोजगार मिलेगा। पूरी दुनिया देख रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां एक व्यक्ति को हराने के लिए 26 पार्टियां एक साथ आई हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, कल के नतीजे पर पूरी दुनिया की नजर है। दुश्मन देख रहे हैं, देश के अंदर जो गद्दार हैं वो देख रहे हैं, जो देश विरोधी हैं वो भी देख रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, उनका पूरा बयान इस वीडियो में सुनिए। पूरे एग्जिट पोल में बताया गया है, तो मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका जो रोजगार पाया, और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे, तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी। क्योंकि पूरे विश्व की नज़र है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए, उसका रिजल्ट देखने पूरा वर्ल्ड, पूरा शेयर मार्केट, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का बाजार, जितना बड़ा बाजार है, कई कई अरब करोड़ का जो बाजार जिसको कहते हैं हम, शेयर मार्केट है, ये है, अनगिनत बाजार, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी की जो लाइन है सबकी नज़र कल, वर्ल्ड पूरा देखने वाला है कल का रिजल्ट पे। आप भारत नहीं, आपका गोरखपुर नहीं, पूरे विश्व की निगाह है, दुश्मन देशों की निगाह है, भीतरी घात करने वाले भी जो देश के भीतर भी रह रहे हैं, जो देश के विरोध में चल रहे हैं, उनकी भी निगाह रहेगी। लेकिन कल का बाजार बहुत बड़ा उठेगा, सीधे महादेव चाहेंगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम लोग टच कर जाएंगे और देश एक विकसित, एक विराट भारत बनने के राह पर कल से निकलेगा, नया अध्याय भारत लिखने जा रहा है। और ये बहुत शुभकामनाएं उस समस्त भारत को जिसने स्वयं को जिताने के लिए सारी ताकत झोंक दी, जिसका रिजल्ट कल सुबह 8 बजे से आपके टीवी चैनलों पर आना उसका रुझान शुरू हो जाएगा। भारत ने भारत को जिताया है, अपने नेता पर भरोसा दिखाया जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, भरोसे का नाम। हमने हाल फिलहाल, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने विश्व के किसी भी नेता पर ऐसा भरोसा नहीं देखा जो भरोसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर हुआ। ये ऐतिहासिक चुनाव, ऐतिहासिक रिजल्ट, और देश का बाजार बहुत ऊंचा उठेगा कल से, दिखेगा हर फील्ड में बाजार बहुत उठेगा और एक बहुत समृद्ध भारत होगा। और गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग जब ही ऊपर आए हैं, हमको लगता है फिर 50 करोड़ लोग ऊपर आ जाएंगे, अगर जितने भी अपर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, वो सब लोगों का भला होगा और देश अद्भुत राह पे चलेगा। देखिए वो जब इन लोगों के सपने, जैसे 5 साल में 26 दल मतलब 6 महीना एक प्रधानमंत्री के हिस्से में आता है, 2.5 महीना इनका प्लानिंग जो एग्रीमेंट हुआ होगा शायद, जो हमको ऐसा लग रहा है मोटा मेरी राय, तो इन लोगों ने 26 दल ने प्लान किया होगा कि 26 लोग हम लोग अगर मोदी जी को रोकते हैं, और अगर रोकते हैं, अगर रोक पाए, तो हम लोग इस तरह से ढाई ढाई महीना एक प्रधानमंत्री बनेगा तो ये देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते, तो वो सपने एकदम चकनाचूर हो गए होंगे। और कल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा भी बना दिया, और जब प्रधानमंत्री 100 दिन का एजेंडा बना लिए कि अब 100 दिन भारत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या काम करेंगे, तो इनको समझ में तो कल ही आ गया। एक एग्जिट पोल नहीं, सारे एग्जिट पोल एक ही बात करें भाई, 2-5% 10% यहाँ वहाँ होगा, 5% होगा, 2% होगा, बट सारे एग्जिट पोल 400 बता रहा है, 390 बता रहा है, 386 बता रहा है, कितना भी परसेंट आगे पीछे, एकदम महादेव की दया से सब भी जानते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एक महिला वोट की है,
एक एक नया युवक वोट किया है, एक एक वृद्ध किया है, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज पाया है, किसान वोट किया है, जिसने आत्महत्या करना बंद कर दिया।